आप सबको मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, मैं आज पहली बार इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले इस चैनल पे कोई और ही वीडियो अपलोड करता था। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मानते हैं कि हमारा इस चैनल का कंटेंट बदल चुका है और इस चैनल में आप बहुत ही बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि जो पहले था वो अब नहीं है और जो अब है वो आगे नहीं होगा। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उम्मीदों पर खरा उतरने की। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करूंगा जिसका नाम है जीतना है तो जिद करो। जी हाँ, जीतना है तो कोई जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान बनाना चाहता है। सफल व्यक्ति की पंक्ति में अपना स्थान बनाना चाहता है। पर क्या सब जीतते हैं? क्या सब सफल होते हैं? सीधा सा सवाल है, नहीं। जिद का अर्थ है अपनी सारी शक्तियों एवं योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित करें, अपनी जिद की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया आदर्श या अटूट संकल्प है। जिद का अर्थ है अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता, शक्ति एवं काबिलियत में भी बढ़कर पुरुषार्थ कर किसी इच्छित सफलता को प्राप्त करने हेतु संकल्पित होना है। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता है संकल्प, डिटरमिनेशन करने की। यदि आपका संकल्प अटूट और अदम्य और तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। अदम्य संकल्प के बल पर ही तो निहत्ते स्वतंत्रता सेनानी समूचे विश्व में पताका फहराने वाले ब्रिटेन साम्राज्य से हमारे देश को स्वतंत्र करने में सफल हुए। यह जिद ही तो थी महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सरदार पटेल की, फर भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद की एवं स्वतंत्रता के अन्य महान सूरवीरों ने, जिससे अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। संकल्प शक्ति के बल पर ही असंभव सा दिखाई देने वाला कार्य संभव हो सका। मात्र लंगोटी अंगोछा में रहने वाले गांधी अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में सफल हो गए। जीत की पूर्ति हेतु अगर सही रूप एवं सही दिशा में प्रथम किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, तो सफल मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आगे और ही अच्छी नई एक्साइटेड वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।